हेलो ऑल, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम शेडो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी चालू होगी और जो भी इनिशियल फेज में डाउट है वो आप सब क्लियर कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस लेके आने वाला हूँ, इसमें कि वी विल डिस्कस कि जो एपीएफसी, एओईओ, एएलसी और एलईओ इन चारों एग्जाम में कुछ सिलेबस है, सिलेबस जैसे कि लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये तीन चीज है। फिर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग वो अलग है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इन तीनों में बस इतना ही मेंशन है सिलेबस में कि लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। लेकिन इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आज आपसे इस वीडियो के द्वारा डिटेल में आई विल डिस्कस कि अंदर कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर। तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है जब ये आप लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉपिक है हमारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। तो आईएलओ में आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ से, देखिए कि हिस्ट्री ना, हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट मीटिंग इवेंट्स की आईएलओ कैसे स्टेब्लिश हुआ, क्या हिस्ट्री थी, ठीक, इसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मीटिंग्स, इवेंट्स अभी तक जो इंपॉर्टेंट ली गई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंडिया और आईएलओ का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, कौन से मेजर इवेंट्स और आ, 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 क्या बोलते हैं उसको, एक इवेंट्स ना होते हैं जो बहुत माइलस्टोन साबित होते हैं, वैसे इवेंट्स अगर कोई रिलेशन के बीच में आए हुए हैं इन दोनों के रिलेशन में, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद कोर कन्वेंशंस, अदर इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस, कोई रिकमेंडेशंस है, कन्वेंशंस है, कोर कन्वेंशंस है, ठीक है, आईएलओ से रिलेटेड, तो वो देखना है। हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। और प्रेजेंट डिस्कशन रिजोल्यूशन करेंट इवेंट्स, करेंट इवेंट्स अगर आईएलओ की कोई मीटिंग होती है, कोई डेलीगेशन आता है, ठीक है, कोई रिजोल्यूशन पास करते हैं, कोई कन्वेंशन पास करते हैं, तो वो सारी चीजें भी करेंट अफेयर्स में और इस टॉपिक के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट है जो है आपका स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स आता है लेबर वेलफेयर में। स्ट्राइक्स में आपको क्या करना है, टाइप ऑफ स्ट्राइक्स देखना है, लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक्स की, स्ट्राइक्स के पीछे क्या लॉ है, क्या स्टेट्यूट है ना, लीगल प्रोविजंस है। और फिर इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है, वो चार चीज इन स्ट्राइक के अंदर आएगी। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन में आपको सबसे पहले तो टाइप ऑफ ट्रेड यूनियंस विथ एग्जाम्पल्स कि अलग अलग ट्रेड यूनियंस इंडिया में कौन कौन से हैं, ठीक। फिर थ्योरीज ऑन ट्रेड यूनियंस, अगर किसी ने दी है तो वो थ्योरीज, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रेड यूनियंस, देन टाइप ऑफ यूनियन सिक्योरिटी, यूनियन सिक्योरिटी मेजर एंड टाइप ऑफ यूनियनिज्म ना, ये भी इसके अंडर आएगा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन वर्ल्ड एंड इंडिया, हिस्ट्री, ग्रोथ एंड प्रेजेंट, कि इंडिया में कैसे ट्रेड यूनियन स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड में कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लीडर्स इससे एसोसिएटेड थे, ठीक है, जैसे कि एमएन राय आपको पता होगा, फिर लाजपत राय का भी नाम आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, फाउंडर, पर्सन एसोसिएटेड, ईयर ऑफ बर्थ, अफिलिएशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेंबरशिप, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड होती है। आरएसएस का एक अलग ट्रेड यूनियन है, कांग्रेस का अलग ट्रेड यूनियन है ना, सी2 जो है वो कम्युनिस्ट पार्टीज का ट्रेड यूनियन है, तो ऐसे अलग अलग ट्रेड यूनियंस है जिसको आपको सबका अभी प्रेजेंट में हेड कौन है और ये सारी चीजें भी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी, हेडक्वार्टर वगैरह अगर ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन में क्या है, डिफरेंट डेज मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन, कि कितने दिन काम करोगे तो कितना पैसा मिलेगा, ये सारी चीजें, हिस्ट्री ऑफ फेजेस ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेज पार्टिसिपेशन इंडियन कंटेक्स्ट और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, फिर क्लॉजेस प्रोविजन रिलेटिंग टू पार्टिसिपेशन इन इंडियन लेबर लॉस कोड्स ना, वर्कर्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड अगर इंडियन लेबर लॉज में या कोड्स में जो भी प्रोविजन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लेबर वेलफेयर है ना, तो ये हमने देखा था वर्कर्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर में क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर, लेबर है क्या सबसे पहले तो ये समझना, फिर वेलफेयर का मीनिंग क्या है, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो लेबर वेलफेयर हो जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलफेयर होंगे, टोटल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, रिलेटिव वेलफेयर, पॉजिटिव वेलफेयर, नेगेटिव वेलफेयर, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ना, थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर, प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर, ये दो चीज हो गई, इंट्रा म्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल वेलफेयर फैसिलिटीज ना, ये क्या है कैसे ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या क्या आता है वो आप समझ लीजिए।
आप कभी सर्च कर रहे होंगे कंटेंट को, तो आप ऐसे सिंपल सिंपल या इसके अंदर की चीजें डाल के भी सर्च कर सकते हैं। फैसिलिटीज टू लेवर हो गया कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, क्रेश फैसिलिटी हो गई, वॉशिंग, रेस्ट रूम, वेंटिलेशन, वेलफेयर ऑफिसर्स, ETC, ऑल दीज फैसिलिटीज। और लेबर लॉज और वेलफेयर लॉज जो लेबर कोड्स हैं उनमें अगर कोई क्लॉज एंड प्रोविजन है रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि एक इंटीग्रेटेड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको बोलते हैं वो अपनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है वेजेस, है ना। टोटल इसमें देखिए 16 टॉपिक्स हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं लेबर वेलफेयर तक देख लिए। नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस में अभी था कि क्या क्या आएगा, टाइप ऑफ वेजेस, है ना, फेयर वेज, लिविंग वेज, मिनिमम वेज, स्टैंडर्ड वेज, अलग अलग टाइप होते हैं, डेफिनेशन होती है कि कब फेयर वेज माना जाएगा, कब मिनिमम वेज माना जाएगा, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। थ्योरीज अगर वेजेस पे हैं तो लेबर मार्केट, है ना, एंड थ्योरीज प्रोपाउंडर्स, एंड देन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ये वेजेस में आ जाएगा। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशंस। ये तीन मेन टॉपिक हैं, लेकिन इसके अंदर कितने सारे, 16 टॉपिक्स एंड देन सब टॉपिक्स आते हैं। तो बार्गेनिंग नेगोशिएशन में अप्रोच ऑफ बार्गेनिंग, लेबर एंड मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वॉल्टन एंड मैकर्सी नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, है ना। तो ये तीन चीज आपको कंपल्सरली करना ही करना है। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, है ना। तो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, वेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टर्म्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि आर्बिट्रेशन, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, कंसिलेशन, एडजुडिकेशन, ETC, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से रिलेटेड आ जाएगा। थर्ड पार्टी या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल भी इसको बोलते हैं, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक टर्म है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल। ठीक। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में फिर देखिए क्या आएगा, अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये इतना कंपल्सरली करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल, मतलब वेलफेयर से, लेबर से रिलेटेड, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, पार्टिसिपेशन, है ना, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उनमें कौन से टॉपिक मेंशन है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, रिलेटेड टू लेबर्स एंड लेबर वेलफेयर, ये आपको याद रखना है। स्टेट इंटरवेंशन, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, देन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, कमिटी ऑन लेबर्स, रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स, मिनिस्ट्रीज ऑफ लेबर्स एंड APFO, फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ना, लाइक ये सारी चीजें, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड जो भी चीज होगी। गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी इसी में आएगा, रिलेटिंग टू लेबर एंड वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, मैटरनिटी बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन, ये सोशल सिक्योरिटी में आ जाएगा। मैं गवर्नमेंट स्कीम्स का अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, इसमें हम लोग डिटेल में सब डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज रिलेटेड टू लेबर, जैसे मार्क्स, बहुत बड़ा है ना मार्क्स, कार्ल मार्क्स जिसको बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ने कितना, मतलब लेबर वेलफेयर का तो अगर जनक बोले तो वही है, महात्मा गांधी, वीवी गिरी, और किसी ने अगर लेबर वेलफेयर के बारे में कोई बात की है तो वो आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक गोल्डन हैंड शेक क्या होता है, गोल्डन हैंड कफ क्या होता है, ग्लास सीलिंग, येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट, डी जॉबिंग, है ना, आयरन लॉ ऑफ वेज, अभी लास्ट अभी टाइम पे आई है एक नई मून लाइटिंग, मून लाइटिंग नई टर्म आपने सुनी होगी, मून लाइट क्या होता है, ना, एक साथ दो जॉब करना, बहुत तो लास्ट वीक ही, लास्ट मंथ आई गेस की वो न्यूज में थी, तो ये सारी टर्म्स याद रखना है। देन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, और हर टर्म की बात करूं तो मैं गिग वर्कर एक नया टर्म होगा, गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में थ्योरीज स्कीम्स प्रोपाउंडेड बाय विलियम बेवरिज, देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, सोशल असिस्टेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, नीड बेस्ड असिस्टेंस, सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल अश्योरेंस, ये सारी चीजें इसमें देखिए कितना नाम वही लग रहा है लेकिन बड़ा माइन्यूट डिफरेंस होगा जो आपको समझना पड़ेगा। एंड फाइनली लेबर लॉज में हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉज और जो भी लॉज और कोड्स हैं उसका सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये है जो तीन अपने सिलेबस के पार्ट हैं, 1, 2, 3, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन कि इसके अंदर क्या क्या आता है ना, ये फाइल भी आप चाहें तो पढ़ सकते थे लेकिन एक बार वीडियो बनाना और सुन लेना, समझ लेने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। छोटा सा ये वीडियो है, आप देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप हमको जरूर कंसल्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं सारा डिस्क्रिप्शन में अपने
सोशल मीडिया हैंडल्स का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैसेज कीजिए कि कोई भी डाउट हो। और टेस्ट सीरीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अभी से चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। उसमें अभी आप देखेंगे तो हो सकता है नंबर ऑफ टेस्ट एक दो ही दिखें, लेकिन हम लोग अप्रैल तक सारे टेस्ट लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और अभी लेने से आपको फायदा ये होगा कि आपको बहुत नॉमिनल रेट में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही वीडियो मैं और आपके लिए बना के लाता रहूँ। थैंक यू वंस अगेन।